प्रदेश भाजपा कार्यालय में लोकसभा विजयी संकल्प को लेकर के अहम बैठक हुई चल रही है। लोकसभा चुनावों के लिए घोषित भाजपा प्रत्याशियों की ये पहली बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, कोर कमेटी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा प्रभारी व संयोजक एवं सह संयोजक, विस्तारक, संभाग प्रभारी और लोकसभा विस्तारक मौजूद हैं। बैठक को स्थान राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी, सह संगठन महामंत्री वी सतीश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बैठक में रणनीति पर काम किया जा रहा है, रणनीति को तैयार किया जा रहा है। बैठक में राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। साथ में सरकार की ओर से किसानों, युवाओं और आमजन के लिए किए गए कार्यों व योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और उसका आह्वान किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाए हैं, तो वहीं पर पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है। एक बहुत ही अहम बैठक में आए हुए सारे उम्मीदवार और उनको जिताने की टीम, उसका मैं स्वागत करता हूं। ये चुनाव काहे के लिए है? ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है। और जितनी भी चुनाव की चर्चा हुई उसमें जनता का रुझान साफ है, देश प्रधानमंत्री मोदी पर ही विश्वास करता है और प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं को चुनने का उन्होंने तय किया है। और इसलिए आत्मविश्वास से कह सकते हैं, पिछली बार 282 थे, इस बार 300 के पार, यह हम संभव करके दिखाएंगे, यह हम निश्चित इतिहास तैयार करेंगे।